हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं नर्सरी गई थी और गई थी एक पौधा लेने, लेकिन आप सभी जानते हैं, सभी प्लांट्स लवर हैं, जब जाते हैं तो फिर और ज़्यादा पौधे देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उठा लाते हैं। वही हाल मेरा भी है। हालांकि इस समय पौधे नहीं लाना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, लेकिन अब नहीं मन मानता, ले आई हूँ और इनको अभी तो रखूंगी, देखती हूँ रिपोर्टिंग क्या करती हूँ। वैसे रिपोर्टिंग करने का विचार अभी फ़िलहाल नहीं है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग किए जा सकते हैं और उन पौधों को दिखा रही हूँ। कुछ यूनिक पौधे भी हैं, और यदि रिपोर्टिंग करूँगी भी 5-6 दिन बाद, तो फिर उनकी रूट बॉल नहीं डिस्टर्ब करूँगी, क्योंकि अब उनको एक तो प्लेस चेंज हुआ, दूसरे गर्मी बहुत है, तो वो भी फिर शौक में आकर के ख़त्म हो जाते हैं। और पौधों की तो आपको पता ही है कितने महंगे पौधे हो गए हैं, लेकिन हम प्लांट्स लवर जो हैं ज़रूर नर्सरी जाने की कोशिश करते हैं। एक हफ्ता बीतता नहीं है कि मन मचलने लगता है कि फिर चलते हैं, देखते हैं कोई एक पौधा। और सच पूछिए, मैं लेने गई थी बेबी सनरोज, मेरे पास है नहीं बेबी सनरोज, पहले लाई थी एक बार, वो सर्दियों में ख़राब हो गया, तो वो तो मुझे मिला नहीं। और पता नहीं मैं क्या क्या उठा लाई, आपको दिखाती हूँ क्या क्या उठा लाई। ये मुझे लगता है मुझे ही नहीं, ये सभी प्लांट्स लवर को ये बीमारी है, तो दिखाती हूँ। सबसे पहला प्लांट तो मैं आपको ये वाइट मुसंडा दिखा देती हूँ। एक ये वाइट कलर का मुसंडा लेकर के आई हूँ, काफ़ी हेल्दी पौधा है, बड़ा भी है, और 100 रुपये का इन्होंने दिया है ये मुसंडा। एक ये लेकर के आई हूँ, और दूसरा आपको दिखाती हूँ, ये येलो कलर के मेरे पास, ये पर्सलो का पर्सले नहीं थे ये वाले, येलो कलर के, तो ये 6-7 उठा लाई, ये तो 10-10 रुपए के ही उन्होंने दिए हैं। और एक ये रेड कलर का ड्रेसना ले आई, और एक फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ, ये वाला ड्रेसना जो था ये मेरे पास नहीं था, ये ड्रेसना तो उन्होंने 50 रुपये का दिया है, और ये वाला पत्ती का ड्रेसना मेरे पास है तो कई इस टाइप के, लेकिन उनकी पत्तियों के कलर में, वेरिएशन में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें देखिए किनारे रेड है, ग्रीन है, येलो है, और ये उन्होंने बहुत महंगा दिया, 250 को बोला था, बहुत मुश्किल से 10 रुपये कम किए, 240 रुपये का दिया। लेकिन वही है कि खूबसूरत बहुत लग रहा था, और इसे प्रोपोगेट करके बरसात में कई पौधे बना सकते हैं, तो बरसात में इसको कट करके फिर और भी, अभी तो फ़िलहाल इसको बड़ा करेंगे, लेकिन हेल्दी पौधा है। तो एक ये ड्रेसना का पौधा लाई हूँ, और एक देखिए ये यूनिक पौधा लेकर के आई हूँ, तो दिखा रही, देखती हूँ यही हूँ कि कौन सा। ये देखिए, ये आप पहचानिए, ये लिली का पौधा उन्होंने बताया, इसमें कहा उन्होंने रेड लिली आएगी, फिलहाल तो अभी लिली का समर, लिली का सीजन चला गया है, लेकिन जो वो एम रिलीज वाले नहीं होते, बल जिस तरह उनकी पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन होती, वो ये रेड उन्होंने कहा है कि मुझे तो पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगी, फ्लावर्स आएंगे तब देखा जाएगा, ये रेड लिली उन्होंने बताया, ये लेकर के आई, और ये भी उन्होंने मुझे 100 रुपये का दिया। फ्रेंड्स ये देखिए, और एक ये मैं लेकर के आई, फ्रेंड्स इसको बताइएगा, मैं क्वाइन प्लांट कही थी, पेनी बर्ड जिसे बोलते हैं, है तो कुछ इसकी भी मोटिलीस, लेकिन इसमें फ्लावर्स है, इसलिए मुझे डाउट था कि ये कौन सा प्लांट है, आपको पता हो तो बताइएगा। ये देखिए, ये भी 100 रुपये का उन्होंने मुझे दिया है, और इसकी जो ग्रोथ है वो उसी तरीके की है, पेनी बर्ड की तरह, जो क्वाइन प्लांट जिसे बोलते हैं। ये देखिए, तो ये लाई, और एक टिकोमा लाई, ये टिकोमा की फ्रेंड ड्वार्फ वैरायटी है, ये वाली एक टिकोमा बड़ी हमारे बाउंड्री वॉल तक फैली हुई है, उधर किचन गार्डन में लगी हुई ऑरेंज फ्लावर आते हैं, इसमें देखिए कैसे ऑरेंज येलो कैसे आते हैं, ये उन्होंने ड्वार्फ वैरायटी बताई है टिकोमा की, और ये उन्होंने मुझे 150 रुपये का दिया है। अब पता नहीं महंगा दिया कि सस्ता दिया, ले लिया मैंने, मुझे अच्छे लगे। और एक ये पौधा लेके आई हूँ, ये बोटल गोल्डन ब्रश का पौधा है, इसे टोपियारी अच्छी बनती है, अभी तो पौधा मेरा बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसको ले आई, ये भी 100 रुपये का उन्होंने दिया है, और
जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको मैं सोचे ज़मीन में लगाऊंगी, फिर इसकी जो ऐसे ब्रांचेस निकलती है वहाँ से गोल करके कटिंग की जाती है, तब इसको कटिंग छटिंग करके इसको बहुत अच्छे शेप दिया जा सकता है। तो एक पौधा ये ले आई और देखिए कोलियस इस तरीके का नहीं था, दूसरे टाइप के काफ़ी थे। कोलियस मैं अक्सर कर देखती हूँ कि कुछ ऐसी वैरायटी जो मेरे पास ना हो उसे मैं ज़रूर खरीदती हूँ। 40 रुपये का उन्होंने कोलियस मुझे दिया है और इसमें कई पौधे लगे हुए हैं कोलियस के, लेकिन वही है कि अभी इनको डिस्टर्ब करो तो मैं करूँगी भी रिपोर्ट, तो इनकी रूट बॉल तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ूंगी क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत जल्दी शॉप में ये पौधे आ जाते हैं। फिलहाल तो अभी इनको अपने यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने दूंगी, 6-7 दिन तक ऐसे ही रखूंगी। और दो मैं ये स्वीट पोटैटो वाइन ले आई, ये गोल्डन वाली ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन मेरे यहाँ नहीं थी और इस तरीके की पत्ती की भी नहीं थी, मेरे पास वो गोल पत्ती वाली थी स्वीट पोटैटो वाइन, आपको दिखाई भी कई बार तो वो वाली थी, ये वाली नहीं थी। तो ये दो उन्होंने 50-50 रुपये के दिए हैं, इनको एक ही बास्केट में हैंगिंग बास्केट में लगा दूंगी, ये तो ख़राब नहीं होने वाले, इनका सीज़न है और लटकते हुए अच्छा लगेगा। तो यही हमारी फ्रेंड्स छोटी सी शॉपिंग थी जो मैंने आपको दिखाई। उसंडा में तो फूल भी आ रहे हैं, इसको तो ज़मीन में लगा दे तो बहुत बड़ा पौधा हो जाता है, लेकिन मैं अब ज़मीन में नहीं इसको लगाऊंगी क्योंकि बहुत जगह घेर लेता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और ये हमारा कॉर्नर का गार्डन है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।